देश के 9 पूर्व आईपीएस अधिकारियों ने दिल्ली पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव को खुला पत्र लिखकर इस साल फरवरी में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों की जांच पर सवाल उठाए। इस पत्र में पुलिस ने उन तरीकों की ओर ध्यान दिलाने की कोशिश की गई है जिन्हें लेकर इन अधिकारियों को लगता है कि दिल्ली दंगों की जांच त्रुटिपूर्ण थी। दरअसल पूर्व आईपीएस अधिकारी जूलियो रिबेरो ने दिल्ली दंगों की जांच पर गंभीर सवाल उठाते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त श्रीवास्तव को पत्र लिखा और कहा, कृपया दिल्ली में अपनी कमान में पुलिस कर्मियों की गतिविधियों पर दोबारा गौर करें और यह निर्धारित करें कि पुलिसकर्मी अपनी भर्ती के समय ली गई शब्द का पालन कर रहे हैं या नहीं। दंगों से जुड़े सभी मामलों की दोबारा निष्पक्षता से जांच कराने का अनुरोध किया है। पत्र में कहा गया है कि नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे लोगों को इसमें फंसाना दुखद है। बिना किसी ठोस साक्ष्य के इन पर आरोप लगाना निष्पक्ष जांच के सभी सिद्धांतों का उल्लंघन है। दिल्ली दंगों की एफआईआर में भाजपा नेता कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मा और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का नाम तक नहीं है, जबकि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की फैक्ट फाइंडिंग टीम की रिपोर्ट में कपिल मिश्रा को इस हिंसा के लिए जिम्मेदार माना था। नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे लोगों को इस मामले में फंसाने से हमें अधिक दुख हो रहा है। ये लोग सीए का विरोध कर संविधान द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति की आजादी और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के अपने मौलिक अधिकारों का पालन कर रहे थे। बिना किसी ठोस साक्ष्य के इन पर आरोप लगाना निष्पक्ष जांच के सभी सिद्धांतों का उल्लंघन है। पत्र में पुलिसकर्मियों ने यह भी कहा कि इन अपराधों की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की यह जांच कथित कबूलनामे पर आधारित है। इस तरह की जांच से लोगों का लोकतंत्र, न्याय, निष्पक्षता और संविधान में सिर्फ विश्वास कम होगा। ये एक खतरनाक विचार है जो व्यवस्थित समाज के स्तंभों को हिला सकता है और कानून व्यवस्था बिगाड़ने का कारण बन सकता है। हम आपसे सभी दंगा मामलों की निष्पक्षता से बिना किसी पक्षपात के दोबारा जांच करने का आग्रह करते हैं ताकि इसमें पीड़ितों और उनके परिवार वालों को न्याय मिल सके और कानून का पालन हो सके।